हाँ वो देवा गुज्जर था ना, उसको मतलब वो इनके है ना मतलब हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। फिलहाल है ना अभी मैं ना उठ रहा हूँ यार, सुबह के 9 बज चुके हैं, जल्दी जल्दी सोते हैं यार, लेट हो गया ना तो रात को लेट सोता हूँ इस वजह से। चलो पापा तो है ना, पापा कुछ काम से बाहर गए हैं और ललित गया हुआ है स्कूल मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। सो एग्जाम चल रही है ना उसकी, तो कल एग्जाम है उसकी, सो इसलिए ना मैथ्स की, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा क्लास जा रहा है, अच्छी बात है। मम्मी भी घर के काम कर रही है, मैं अभी भी उठाऊँ तो वो धो के फिर ये माल पैक करना अगरबत्तियों का, ये पैक कर देंगे, उससे पहले दूध भी पियेंगे। तो गाइस काफी खतरनाक वाले धूप पड़ रहे हैं यार, खतरनाक वाला सीन हो रहा है गजब का, वही पैर भी जल रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी छाव मिली है तो वहाँ पे बैठ चुका हूँ, ऊपर आया था देखने की किस टाइप का है, पर यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा तो इसलिए मैं यहाँ पे छाव में आके बैठ गया था। खतरनाक वाली धूप है यार, हालत खराब हो रही है, इतनी खतरनाक वाली धूप हो रही है ना। नीचे चलते हैं। तो गाइस मम्मी को देखो क्या कर रही है, ये बिल्ली से ऊपर से आई है, ऊपर देख के रही है। क्या हुआ क्या हुआ, अरे क्या ढूंढ रही है वहाँ पे, अबे अरे क्या ढूंढ रही है, हेलो। इसे देखो पंखे की ठंडी हवा में बैठ गई, गजब है ना। अरे पूछ भी ला रही है, देखो बढ़िया मजा कर रही है, यही आसपास ही हमारे यहीं पे रहती है तो डरती नहीं है हमारे किसी से भी। तो अभी मुझे काम से बाहर जाना है, तो फाइनली अभी आया हूँ मैं एक बढ़िया सी जगह पे जो यहीं पास ही, मैं 4 किलोमीटर दूर, शायद मैंने बोल दिया होगा, नहीं बोला तो देख लेना। अभी मैं दूसरा काम से आया था तो वो काम तो हो चुका है मेरा, तो अभी यहाँ पे आया था। तो अब हम आए हो गए यहाँ पे, समझ गए ना कैसे रिकवर जी की अकेली हवा खतरनाक वाली चल रही है। तो ये पूरा का पूरा चांदी का बना हुआ है, मतलब चांदी का लेप लगा हुआ परत, काफी इंटरेस्टिंग है। तो इनके पीछे एक बोल रहे कि मतलब होल भी है जहाँ से केसर कवर जी निकलते हैं, काफी मतलब प्राचीन मंदिर है, गजब का है। और इसी साइड में मतलब यहाँ पे गेहूं के भंडार पड़े हैं इस तरफ और उस तरफ भी है, दिखाता हूँ आपको ये देखो। और यहाँ पे मतलब कई लोगों की मन्नतें भी बंधी हुई है, बहुत सारी है, काफी खतरनाक काफी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे देखो इनकी धुनी कैसे सीखे जाओ, यहाँ के पंडित जी है ये अभी। तो फाइनल दर्शन तो हो चुके हैं कम्प्लीटली, काफी मतलब अच्छा लगता है यार, शांति लगती है ऐसे अगर मंदिरों पे आओ तो काफी बढ़िया लगता है मुझे तो, ठीक है। तो अपने अपने स्थान पर जाना बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे ये जो आंटी की बेटी है ना, इनका यानी शरीर को देख के लगता नहीं है कि ये मतलब ये ऐसे ही मांगती है और काम करती है, और क्या करें, इनके शरीर को देख के लगता है कि ये कमाने वाली है, मतलब खाने पीना मजे हैं। फिर भी यहाँ पे देखो, ठीक है जिनको गरीब बोले ना तो बात अलग है, इनको किन टाइप से गरीब लगते हैं। तो फिलहाल अब निकलते हैं यहाँ से, तो काफी टाइम हो चुका है, मुझे चेतन चला है जाकर दूध भी लेना है, तो हाफ लीटर दूध ले लेंगे, काफी है बहुत है हमारे घर के लिए। मनु काका और फूफा जी आए हुए हैं बूंदी से, साथ में मनु काका की पत्नी जी मतलब काकी जी भी आए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे बैठे, तो ये मनु काका है, ये फूफा जी और ये काकी सा है। तो ये तो बातें कर रहे हैं उसी, वो मतलब वो मरा था ना वो गैंगस्टर, बोल रहे थे क्या नाम था उसका यार, याद नहीं आ रहा। हाँ वो देवा गुज्जर था ना, उसको मतलब वो इनके ना मतलब बोल रहे कि 70 से 80 किलोमीटर दूर रहते हैं, ये भी कोटा बूंदी में रहते हैं ना, तो यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर ही है रावत फाटा इन सेकर से। तो गाइस है ना अभी बने हैं चावल, वो है ना कड़ी बनाई हुई थी सुबह की, तो वो उसके साथ चावल खा लेंगे। ये भाई साहब तो लगा पड़ा है, हमें बुलाए भी नहीं और खा रहा है आराम से, और यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख रहे हैं। तो आपने भी अगर मेरे शॉर्ट वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाके देख लेना, कल का शॉर्ट जो था ना वीडियो, तो उसपे मतलब आप लोगों ने काफी प्यार दिया, और अभी आजकल के मतलब जो भी ब्लॉग आ रहे हैं उसपे आपने काफी प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच। और है ना मतलब बोलो ना कि ना मतलब मेरे अभी ब्लॉग में जो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थंबनेल अच्छे से अच्छा एडिट कर पाऊँ, वीडियो को अच्छे से अच्छा एडिट कर पाऊँ आपके लिए, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और हम भी ऐसे बढ़िया से बढ़िया वीडियो डालते रहेंगे। तो जैसे कि आज आपने देखा कि ना मतलब हम अकेले भी गए थे, तो अकेले में भी काफी बढ़िया मंदिर मतलब वो है, तो ये आज से कई साल पुराना है,
उसकी जो भी कहानी वो कई अगली बार बताऊंगा ठीक। तो उसकी कहानी मेरे हिसाब से मेरे पापा को पता है, तो फिर कभी बताएंगे। तो फिलहाल आज पापा ने ना पंखा चेंज कर दिया है, तो पहले छोटे वाला पंखा था आ गया भाई, तो ये वाला पंखा था छोटा वाला, चार पंखे वाला जो चार पंखा था ना, ये वाला पंखा था पूरा निकाल दिया, तीन पंख वाला ना बड़ा वाला लगा दिया। तो गाइस एक और प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे यूट्यूब पे, दूसरी कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है, टेंशन पे टेंशन हो रहा है यार। तो मतलब मेरा दूसरा एक और वीडियो ना डिलीट हो चुका है, तो वो आईपीएल वाला है, तो मैंने सोचा था कि आईपीएल वाले पे नहीं आएगी, पर उस पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है, वो भी डिलीट हो चुका है। तो मैंने एक और ब्लॉग में भी बताया था कि ना मतलब यूट्यूब के आईपीएल कैसे देख सकते हो, तो उसका भी ना मतलब मैंने टाइटल और थंबनेल चेंज कर दिया है, मैंने सोचा कि भाई कहीं इस पे भी स्ट्राइक ना दे दे, तो इसलिए वहाँ का भी चेंज कर दिया है। तो मेहंदी वाला लगाया है वहाँ पे, पप्पा की मेहंदी बनाई थी ना वो वाला लगाया, तो वो वाला व्लॉग नहीं देखा हो तो जाके देख लेना ठीक है। हालत ख़राब हो रखी है भाई यार, ये टेंशन काहे ख़त्म नहीं होता यार, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है यार। मतलब मेरे तीन दिन में दो स्ट्राइक आ चुकी है, ये तो बोल रहे कि 7 जुलाई को ख़त्म होगी एक स्ट्राइक और एक होगी 10 जुलाई को ठीक है। तो उससे पहले कुछ ऐसा कंटेंट मत डालना कि जिससे एक और स्ट्राइक हो जाए, यूट्यूब वाले बोल रहे हैं, मेल आया था मेरे को कि तीन स्ट्राइक होते ही आपका यूट्यूब चैनल उड़ जाएगा अपने यूट्यूब से, तो काफ़ी टेंशन हो रही है यार, खराब हो सकती है भाई मेरी। पर मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो, मतलब इस टाइप के कुछ कंटेंट नहीं डालूं मैं, अभी पक्का ध्यान रखूंगा आज कल के बाद इस टाइप के कंटेंट बिल्कुल बंद। ये मैसेज मेरे को अभी रात को 11 बजे आया है, देख लो। तो वैसे अभी टाइम हो चुका है, 2 बज चुका है, तो वीडियो एडिट करके अपलोड हो चुका है और स्ट्राइक का तो कुछ नहीं कर सकता अभी उस पर, तो सो इस ब्लॉग को एडिट करता हूँ। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।